नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे स्पोकन संस्कृत, संस्कृत बोलना सीखेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, प्रारंभ करते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। तो संस्कृत बोलेंगे इदम मम गृहम अस्ति। यहाँ पर पहला वाक्य हमारा हुआ इदम मम गृहम अस्ति, यह मेरा घर है। ये वाक्य बना, और घर नपुंसकलिंग है, एकवचन है, इसलिए इदम शब्द नपुंसकलिंग एकवचन का प्रयोग किया गया है। यह मेरा घर है, और अब लिखते हैं कि यह हमारा घर है, तो लिखेंगे इदम अस्माकम् गृहम् अस्ति, यह हमारा घर है। इदम अस्माकम् गृहम् अस्ति, यह हमारा घर है। यह तुम्हारा घर है, इदम तव गृहम् अस्ति, इदम तव गृहम् अस्ति, यह तुम्हारा घर है। यह तुम्हारा घर है, यह उसका घर है, तो लिखेंगे विद्यार्थियों इदम तस्य गृहम् अस्ति। इदम यह तस्य उसका गृहम् अस्ति, यह उसका घर है। इस घर में 5 सदस्य रहते हैं, तो लिखेंगे अस्मिन् गृहे पंच सदस्याः सन्ति। अस्मिन् गृहे, इस घर में 5 सदस्या सन्ति, 5 सदस्य हैं। और यदि हम लिखते हैं कि इस घर में 5 सदस्य रहते हैं, तो क्या लिखेंगे? अस्मिन् गृहे पंच सदस्याः, यहां पर क्रिया, इसको हटा करके क्या लिखेंगे? निवसन्ति, रहते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लिखते हैं कि अस्मिन् गृहे पंच सदस्याः निवसन्ति, निवसन्ति, इस घर में 5 सदस्य रहते हैं, इस घर में 5 सदस्य रहते हैं। अब एक से अधिक घर के लिए बात करते हैं कि ये हमारे घर हैं, ये हमारे घर हैं, तो लिखेंगे इमानि अस्माकम् गृहाणि सन्ति। इमानि किसके लिए प्रयोग किया गया है? गृहाणि के लिए, क्योंकि घर एक से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है, बहुवचन है। तो हम जो सर्वनाम शब्द है इदम इमे इमानि बहुवचन यूज करेंगे, को तो इमानि अस्माकम् गृहाणि सन्ति, ये हमारे घर हैं। तो लिखेंगे विद्वान साथियों इमानि अस्माकम् गृहाणि सन्ति, ये हमारे घर हैं, ये हमारे घर हैं। यह मेरा बगीचा है, तो क्या लिखेंगे? इदम इदम मम उद्यानम, इदम मम उद्यानम अस्ति, ये मेरा बगीचा है। बगीचे में फूल खिलते हैं, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं, तो लिखेंगे उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में फूल खिलते हैं, बगीचे में फूल खिलते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं, तो हमारा वाक्य होगा उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, उद्याने सुंदराणि पुष्पाणि विकसन्ति, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। नंबर 10, उद्याने
बगीचे में सुंदराणी पुष्पाणी विकसन्ति। बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। तो पुष्पाणी संज्ञा शब्द है तो बहुवचन है, इसलिए जो विशेषण है ये भी बहुवचन में यूज करेंगे। बगीचे में ये अधिकरण कारक है, एकवचन है। तो बगीचे में उद्याने सुंदराणी पुष्पाणी विकसन्ति, बगीचे में सुंदर फूल खिलते हैं। विकसन्ति का मतलब होता है खिलते हैं। बगीचे में मोर नाचते हैं, उद्याने मयूराः नृत्यन्ति। उद्याने मयूराः नृत्यन्ति, बगीचे में मोर नाचते हैं। नेक्स्ट है, बगीचे में पक्षी चहचहाते हैं। बगीचे में पक्षी चहचहाते हैं तो उद्याने उद्याने खगाः कूजन्ति। उद्याने खगाः कूजन्ति, उद्याने खगा कूजन्ति, बगीचे में पक्षी कूजते हैं या चहचहाते हैं। बगीचे में फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं। बगीचे में उद्याने फूलों पर पुष्पेषु भ्रमरा भंवरे गुंजन्ति गुंजन करते हैं। तो लिखेंगे उद्याने पुष्पेषु भ्रमरा गुंजन्ति गुंजन्ति, बगीचे में फूलों पर भंवरे गुंजन करते हैं गुंजते हैं। नंबर 14, इस बगीचे में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। तो लिखेंगे अस्मिन् उद्याने बालकः पादकन्दुकं क्रीडन्ति। अस्मिन् उद्याने इस बगीचे में बालकः बच्चे पादकन्दुकं फुटबॉल क्रीडन्ति खेलते हैं। इस बगीचे में बच्चे फुटबॉल खेलते हैं। बगीचे में पुरुष धीरे धीरे भ्रमण करते हैं तो उद्याने पुरुषाः स्नै स्नै भ्रमन्ति। उद्याने पुरुषा स्नै स्नै भ्रमन्ति, बगीचे में पुरुष धीरे धीरे घूमते हैं। आम के वृक्ष पर कोयल मधुर कूजती है तो आम के पेड़ पर सप्तमी एक वचन टीके है कोयल मधुरम कूजती, मधुरम कूजती, आम के वृक्ष पर कोयल मीठा बोलती है मीठा कूजती। नेक्स्ट देखते हैं साथियों, लड़की माँ के साथ बगीचे में जाती है। लड़की माँ के साथ बगीचे में जाती है तो बालिका मात्रा सह माँ के साथ उद्याने
उद्यानम गच्छति। गम धातु के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो बालिका मात्रा से लड़की माँ के साथ उद्यानम गच्छति बगीचे में जाती है। नेक्स्ट सेंटेंस है विद्वान साथियों नंबर 8, लड़कियां पिताजी के साथ बगीचे में घूमती हैं या भ्रमण करती हैं। तो लिखेंगे बालिका पित्रा से उद्याने भ्रमंती। बालिका पित्रा से उद्याने भ्रमंती, लड़कियां पिताजी के साथ बगीचे में घूमती हैं। माली बगीचे में कार्य करता है तो माला कार्य है, उद्याने कार्यम करोति। माला कार्य है, उद्याने कार्यम करोति। माली बगीचे में कार्य करता है। माली का स्वभाव सरल है तो लिखेंगे माला कारस्य। माली का स्वभाव सरल है, सरल अस्ति है। माला कारस्य स्वभाव है, माली का स्वभाव सरल अस्ति, सरल है। तो विद्वान साथियों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।